everybody. This is Dr. Hina Dawar, and I'm here with a special message for the students who are appearing for JK SAT and K SAT. So students, I hope आप लोगों ने अच्छे से तैयारी करी है, and I wish you all the best, and I completely trust you people, and I have faith in you people कि आप लोगों का पेपर भी जरूर क्लियर होगा और आप बहुत अच्छा परफॉर्म करके आएंगे. सो जस्ट बी पॉजिटिव एंड डू योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट. सेकेंड थिंग इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, टाइम मैनेजमेंट. प्लीज़ टाइम का ध्यान रखिएगा. अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, जस्ट डोंट सिट एंड वेस्ट योर टाइम, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन हमें मार्क्स दे सकता है. शायद इस क्वेश्चन पर अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे तो इट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस. अगर टाइम परमिट करता है लास्ट में, गो बैक टू दैट क्वेश्चन एंड री अटेम्प्ट इट. एंड कोई भी क्वेश्चन प्लीज लीव मत कीजिएगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है. सो मेक श्योर यू आर मार्किंग ऑल दी क्वेश्चन. थर्ड थिंग, अगर क्वेश्चन में पैसेजेस आते हैं तो प्लीज मेक श्योर यू आर नॉट सिटिंग एंड रीडिंग द पैसेज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ट्राई कि आप पैसेज क्वेश्चन को एंड में ही अटेम्प्ट. एंड ऑलवेज रिमेंबर 150 क्वेश्चन एंड वी हैव 180 मिनट्स, तो हमारे पास बफर टाइम सिर्फ 30 मिनट्स का है. सो ट्राई टू डिवोट वन क्वेश्चन टू वन क्वेश्चन वन मिनट एंड कीप 30 मिनट्स फॉर द रिविजन पर्पज. एंड येस, अगर आप इस स्ट्रैटेजी से वर्क करेंगे, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कम्प्लीट द एग्जाम ऑन टाइम एंड आप सब आंसर्स करेक्टली मार्क करेंगे. एंड मेक श्योर यू आइडेंटिफाई द करेक्ट कीवर्ड एंड मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली. सर्कल्स ड्रॉ कीजिए और अपने लिए ब्रॉडर आंसर को पिक कीजिएगा. आउट ऑफ द ऑल पिक द बेस्ट करेक्ट आंसर. आई होप दीज पॉइंट्स विल हेल्प यू. ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड डू वेल.